में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बेमेतरा जिले के बैरला ब्लॉक के ग्राम भाड़ में सरपंच राजेश कुमार यादव लगभग 4 वर्ष से सरपंच के पद के कार्यरत हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने कार्यकाल में ना ही सड़क का निर्माण किया है और ना ही पानी की समस्या को दूर किया है, जो कि अपने गांव के समस्या का निवारण करना सरपंच का कार्य होता है। सरपंच के द्वारा जो का गौठान बनाया गया है उसमें ना ही चारा की व्यवस्था है और ना ही पानी की, और पूछने पर उनका कहना है कि शासन द्वारा फंड नहीं मिला है तो कहां से चारे की व्यवस्था करें। अपनी गलती को छुपाकर सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ममता ग्वालवंशी, नवागढ़ ब्लॉक बेमेतरा, छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? मैं क्या काम करते आप गायों को कितने बजे लाके गौठान में छोड़ते हो? 6 से 12 बजे। 6 से 12 बजे? और 12 बजे के बाद गाय ऐसी भूखे रहते हैं? हम लोग आज तक कितना भी गांव में गए हैं, रोड बना है, मेरे द्वारा निरंतर रोड का मांग किया गया है। बचत शासन की जवाबदारी है, वो देता है कि नहीं देता, लेकिन मेरे द्वारा अगर मांग की अगर बात करो तो मैं आपको 10 ऐसा कागज दिखा सकता हूँ जो निरंतर मांग किया गया था। वर्तमान में गौठान के कार्यक्रम में, कई कार्यक्रम में विधायक से भी घोषणा करवाया था कि यहाँ सीसी रोड। हम लोग गौठान का भी, आप लोग जो गौठान बनाए हैं उसको भी देखे हैं, उसमें गायों के लिए अभी चारा भी नहीं है। नहीं, चारा ये शासन की फंड है, जब तक शासन फंड नहीं देगा तो फिर पंचायत क्या करेगा? इसका मतलब गाय भूखे रहेंगे क्या? नहीं, गाय की व्यवस्था किया जा रहा है। आप वहाँ जाके और एक आगे ग्रामवासी से पूछिए, वहाँ रेडी चरवाहा रखे हैं जो निरंतर रोज 4 घंटा गाय चराता है। हम लोग 1 बजे से यहाँ, 1 बजे से गाँव। आपको यही इसी पास वहाँ, मैं अभी इसी पास। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। अच्छा, आप गांव से मुखिया हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। अच्छा अच्छा, महोदय जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस गांव में पानी की भारी समस्या है जी। तो यहां देखने में यह आया है कि आपके यहाँ टंकी नव निर्माण हुआ है जी। अच्छा अच्छा, इसके बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या है जी। इसका कारण? इसका कारण ये है कि यहाँ भरपूर रूप से तो पानी है नहीं है, ड्राई एरिया है ये, और ये सक्सेस करने के लिए पीएचई द्वारा आसपास के गांव में बोर खनन कराया गया था, दूरी होने के कारण चढ़ नहीं पाया। अच्छा, और हम लोग गांव वाले द्वारा मांग किया गया था कि नीचे में समपुल ऐसा कुछ बना लो, टैंक टाइप का। अच्छा। और तीनों बोर का पानी उस टैंक में गिराओ और उसके बाद टंकी सप्लायर करके दो करके। तो ये टंकी कब से बना हुआ है? ये टंकी तो हमारी कार्यकाल के पहले से बना हुआ कार्यकाल है, लगभग 2010 से 2015 में जो थे उस कार्यकाल में बना है। अच्छा, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लगभग 15-20 सालों से पहले से पानी की समस्या बनी हुई है जी। तो इसके लिए आप अभी तक क्या क्या अपने कार्यकाल में कदम उठाए हैं या आप कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? ये इनके लिए तो मैं अभी दिसंबर में मुख्यमंत्री जी का आगमन करवाया था, उसमें मंच के माध्यम से घोषणा भी करवाया हूँ मैं, और उनके बाद भी अभी तक के कार्रवाई हुआ है। हमारी सब बगल में तारालीम के नाम से एक गांव है, वहां से पाइप सप्लायर हो चुका है, बोर खनन भी हो गया है, लेकिन अभी तक की उनकी जो परमानेंट जो कनेक्शन अभी तक की नहीं किया है ना, जिसके लिए हम निरंतर मांग करते हैं कि उनकी परमानेंट कनेक्शन करके कैसे भी करके टंकी से सप्लायर करे, तभी यहाँ पानी की समस्या जो है खत्म होंगे। अच्छा, यहाँ जैसे कि पानी की समस्या बनी हुई है गांव में जी, और क्या क्या समस्या है गांव में? गांव में और समस्या तो एक पानी की है, दूसरा एक स्कूल की है। अच्छा, प्राथमिक शाला की जो जर्जर है। अच्छा, और एक नया समस्या और यहाँ आया है। हाँ। ये अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में केवल दारू भट्टी है। अच्छा, वहाँ आहता निर्माण तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ से जितना शराबी लोग हैं वहाँ से शराब लेकर स्कूल के आसपास की जगहों को या गांव में जितना सार्वजनिक जगह है या निजी भी जगह है उसमें निरंतर शराब पिया जा रहा है। अच्छा। इनकी शिकायत थाना में भी किया गया था और SDM साहब को भी दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक के कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके पर्पस में जो दारू भट्टी के जो पर्पस में पूरी गांव विरोध भी किए हैं कि ये गांव से नजदीक है और मेन रोड से लगा हुआ है जिसमें लगभग हमारे गांव से 50 बच्चे स्कूल का आना जाना करता है। अच्छा। तो यहां से हटाया जाए करके। अच्छा। लेकिन अभी तक के ऊपरी कोई जवाब नहीं आया है और इनके विरोध के लिए भी तैयारी जारी है गाँव में।